दोस्तों आज अपने पास आई है BMW, देख सकते हैं 320 2011 का मॉडल है। और इसमें जो है स्टीरियो जो कंपनी वाले पहले देते थे नॉर्मल टाइप का देते थे, तो आज इसके अंदर हम एंड्रॉयड लगा रहे हैं जो कि हमारे यहाँ पे कटिंग होके लगेगा। और एंड्रॉयड जो होगा एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वाला होगा। और देख सकते हैं उसके साथ कुछ इस तरह से आता था, इसका जो डायग्राम आता है इसके साथ ही आता है, कटिंग करके लगेगा। और एंड्रॉयड की बात करें तो आपको दिखाना चाहूँगा। इसका ये एंड्रॉयड आएगा 10.33 इंच का होता है, ये एंड्रॉयड लगेगा इसके अंदर, मैक्स लिंक का ही है। और साथ में बात करें तो इसके अंदर सारी ये वायरिंग वगैरह सब आएगी इसके अंदर। और साथ में इसका ये जॉयस्टिक भी आता है, ये देख सकते हैं ये जॉयस्टिक भी आएगा, ये भी इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे ये भी इसके अंदर इंस्टॉल होगा। तो एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं आप इसमें, फिर आपको दिखाता है इसकी फिटिंग। अपना प्रीमियम टाइप का एंड्रॉयड लगाने के लिए आपको इस टाइप का देख सकते हैं डायग्राम बनाना पड़ता है, जैसे ये बना हुआ है। और इसकी जो रेड लाइन है यहाँ से कटिंग होती है इसकी, ये कटिंग करने के बाद फिर अपना जो एंड्रॉयड का जो फिटिंग है, जिस तरह की फिटिंग होती है, ये इसके यहाँ पे लग जाएगा। और फिर इसकी जो वायरिंग है सारी कपड़ा टू कपड़ा रहने वाली है, जैसे कि देख सकते हैं। अगर अपने किसी भाई के पास नई या पुरानी BMW हो, अगर इसका सिस्टम अपग्रेड कराना चाहते तो आ जाओ हमारे पास, देख लो पूरा कपलर टू कपलर प्रीमियम। जो भी एंड्रॉयड है लगाना चाहते हैं तो आ सकते हैं हमारे पास और इंस्टॉल करने के लिए देख सकते हैं। ये हमारा ओरिजिनल जो था, ये कपलर टू कपलर कंप्लीट वायरिंग है, कोई वायरिंग कटिंग नहीं होगी। तो ये एंड्रॉयड लग रहा है और इसकी ये पूरा डायग्राम होता है, और डायग्राम से बकायदा इसके जो कटर्स होते हैं ये भी देख सकते हैं, प्रॉपर कटिंग होगी आपकी इसकी। और सारा काम कपलर टू कपलर रहने वाला है और सारा कुछ आपका वर्क करेगा इसके अंदर। तो कोई भी आपके पास गाड़ी हो, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, कुछ भी हो, आपको एंड्रॉयड लगवाना तो आ जाओ, एक बार फिटिंग करा देता हूँ, फिर उसके बाद आप देखना कि फिटिंग और प्रोफेशनल किस तरह से काम होगा इसका। इसकी इस तरह से कटिंग होती है जैसा आप देख सकते हैं। अपना एंड्रॉयड देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है, और देख सकते हैं इसकी फिटिंग प्रॉपर ओरिजिनल पोजिशन पर हमने इसको इंस्टॉल किया है। और इसके अंदर हमारा ये जॉयस्टिक भी लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी इसके साथ ही आता है, तो ये जॉयस्टिक भी हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे ये जॉयस्टिक इंस्टॉल हो जाएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस पोजीशन पे जॉयस्टिक इंस्टॉल हो जाएगा, ये भी इसके साथ आता है। तो अपना एंड्रॉयड देख सकते हैं, फिटिंग और फिनिशिंग देख सकते हैं, कहीं से कोई गैप नहीं है और प्रॉपर ओरिजिनल पोजिशन पर हमने इसको इंस्टॉल करा। अब इसकी वर्किंग भी आपको एक बार चेक कराऊँगा, एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। सो आप देख सकते हैं अपनी एंड्रॉयड की फिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, और फिटिंग भी देख सकते हैं कहीं से कोई गैप नहीं है, और एच टू एच फिटिंग हुई है इसके अंदर। और इसके अंदर पूरा डायग्राम होता है जिससे हम इस डैशबोर्ड की कटिंग करते हैं यहाँ पे। और फिटिंग आप नॉर्मली आप इसकी फिटिंग करवा सकते हैं, बकायदा इसका जो नक्शा होता है वो बना होता है। और यह कंप्लीट फिट हो चुकी है इसके अंदर, और एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है ये वाला एंड्रॉयड। और इसके अंदर हमने ये जॉयस्टिक भी इंस्टॉल कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है ये जॉयस्टिक। और इसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख पाएंगे ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे हमारे, आप देख सकते हैं ये जॉयस्टिक आपका प्रॉपर काम करेगा, जिसमें आप कार की इंफॉर्मेशन वगैरह सब आप इसमें देख सकते हैं। और डोर का ओपन मतलब कैनवस भी इसके अंदर वर्क करेगा आपका, और देख सकते हैं आप, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कार का प्रॉपर आपका वर्क करेगा। आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा दूँ मैं, ये देख सकते हैं ये प्रॉपर कार का, देख सकते हैं प्रॉपर कार का आपका RPM वगैरह सारा वर्क करेगा ये देख सकते हैं प्रॉपर RPM वगैरह सारा काम करेगा इसके अंदर। और हमारा जैसे कि आप ब्रेक का देख सकते हैं, तो ब्रेक का भी आपका प्रॉपर इसमें काम करेगा, के ओरिजिनल सारे फीचर्स इसमें हमारे वर्क करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें हैंड ब्रेक का साइन आ रहा है, तो हमारा हैंड ब्रेक आप डाउन करूँगा तो चले जाएगा। और ऐसे ही हमारे डोर का सिग्नल भी आएगा, ये देख सकते हैं डोर, जैसे ही हम डोर खोलते हैं तो डोर का भी आता है इसके अंदर। तो ये प्रॉपर कैनवस हमारा वर्क करता है इसके अंदर, तो कार की जितनी इंफॉर्मेशन है सब इसमें हमारा आ जाएगा। और ये वाला एंड्रॉयड हमने इसके अंदर फिट करा है, जो कि आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग कितनी ज़बरदस्त है। और इसका प्राइस आपको जानना तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और इसके सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
और काफ़ी अच्छा लग रहा है। 2011 BMW है 320i, जिसके अंदर ये ओड सा स्टीरियो लग रहा था, तो सो हमने इसके अंदर एंड्रॉयड प्ले इंस्टॉल करा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और सेकंड में हमने इसके अंदर K3 की लाइट इंस्टॉल करी है जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा। अब ये देख सकते हैं लाइट की फिनिशिंग लगने के बाद देख सकते हैं कितनी बेहतरीन आ रही है फिनिशिंग, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। और ये वाली K3 वाली